करवा चौथ और दिवाली बनेगा खास सोसा के साथ। आप सब जानते हैं कि फेस्टिवल का सीजन आ चुका है और ऐसे में सोसा आपके लिए एक बहुत ही सा एग्जीबिशन लेकर आ चुका है। और इस बार अगर आप करवा चौथ और दिवाली के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं पानीपत के होटल रियाड में। ये रिंग प्लेटर हो गया, हैवी पिकॉक रिंग प्लेटर है, इट्स मोस्ट अवेलेबल। मैम आपकी शॉप कहाँ है और आप कहाँ से आए हो? पानीपत से हैं हम, देशराज कॉलोनी से हैं। अभी मेरा कोई शॉप नहीं है, मैं होममेड करती हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री है। ये बताइए मैम, क्या एंट्री के लिए कुछ हमें पे करना पड़ेगा? नो, नथिंग टू पे, जस्ट अ विजिट बाय द वेंडर्स। देख पा रहे हैं यहाँ कुछ नहीं देना है आपको, ऐसा नहीं है कि एग्जीबिशन में जा रहे हो और आपको पैसे खर्च करने हैं, बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं। और आप देख सकते हैं अंदर का एनवायरनमेंट यहाँ पर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और यहाँ पर एक अलग ही एनर्जी है सभी के अंदर और हर कोई यहाँ पर कुछ ना कुछ खरीदता हुआ नजर आ रहा है। सबके हाथों में एक यहाँ पर कैरी बैग है और आप लोग देख सकते हैं अभी हम आपको अंदर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर एक से बढ़कर एक बढ़िया स्टॉल्स हैं और यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पर स्टॉल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसी के साथ यहाँ पर आपको इस बार बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें दिखने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें मिलने वाली हैं। और देख सकते हैं इस बार करवा चौथ बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस बार ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने की मिलेंगी कि शायद आज से पहले आप लोगों ने ना देखी हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक स्टॉल है 30 नंबर। यहाँ पर मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पैसा वसूल अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे, बिना लिए आप नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ कह रही है कि आइए और मुझे खरीदिए। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी ने यहाँ पर कैरी बैग ले रखा है और सब कुछ ना कुछ यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। फिलहाल अंदर ले चल के देखते हैं कि और क्या कुछ खास होने वाला है। ये बताइए मैम, क्या आप भी यहाँ आपने कुछ लिया यहाँ से अब तक? सर ये मेरा खुद का स्टॉल है। खुद का स्टॉल है। ये बताइए इस बार क्या डिफरेंट होने वाला है क्योंकि करवा चौथ आ रहा है और करवा चौथ में जो गर्ल्स हैं या जो वुमेन हैं उन्हें कुछ डिफरेंट चाहिए होता है। बिल्कुल सर, इसीलिए हम बाहर से जितना स्पेशल और डिफरेंट आर्टिकल्स हो सके हम अपने क्लाइंट्स के लिए पानीपत के लिए लेके आते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मेरा अंसल में स्टोर है बाय द नेम ऑफ वेयर एंड टेयर बाय शेफी। व्हाट्स योर गुड नेम? शेफी। शेफी जी हैं और शेफी जी का ये स्टॉल है जिसका नंबर है 41B और आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। और चलिए मैं आपको अंदर ले चल के दिखाता हूँ और क्या कुछ खास होने वाला है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, अगर आप क्लोथ की बात की जाए, अगर आप कोई ज्वेलरी लेना चाहते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर आर्ट के लिए भी देख सकते हैं, एक स्टूडियो है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। और ये यहाँ पर स्टॉल नंबर 9 है। और इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको प्लस कास्टिंग स्टूडियो आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर कलाकृति है और आप देख सकते हैं अगर आप इस तरह की अपनी न्यू बॉर्न बेबी की फ्रेमिंग करवाना चाहते हैं, फ़ोटो फ्रेमिंग, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके साथ कस्बा है यहाँ पर, फैशन बॉक्स बाय निकिता का यहाँ पर ये स्टॉल है। और चारों तरफ आप देखेंगे हर कोई कुछ ना कुछ खरीदता हुआ ही नज़र आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर कोई बिजी है शॉपिंग करने में। और चलिए अभी एक और स्टॉल पर लेकर आपको चल रहे हैं और देखते हैं इस स्टॉल पर क्या कुछ खास होने वाला है। लगभग हर स्टॉल पर कुछ ना कुछ यूनिक और डिफरेंट होने वाला है। यहाँ देख सकते हैं ये एक यहाँ पर हमें वैपिंग स्टेशन नज़र आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यूनिक चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर जो स्टॉल के ओनर हैं उनसे बातचीत करके जानेंगे इस पर क्या है। मैम ये बताइए क्या कुछ अलग है यहाँ पर? सर यहाँ पर जैसे कि हैंडमेड, पहली बात तो कि टोटल यहाँ पर हैंडमेड है, कोई भी रेडीमेड सामान नहीं है, रॉ मटेरियल से बना हुआ सारा सामान है। एंड सेकंड की जितने भी ट्रेंडी आइटम्स हैं वो इस साल के सब बनाए हुए हैं। यूनिक क्या है मैम आपके यहाँ अगर हम देखना चाहें तो? जैसे कि ये पिकॉक आर्टिकल्स हो गया, थाली बेस आर्टिकल है, ये रेजिन वर्क है। ऊपर दिखाइए मैम दो चार हमें आइटम, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी हैंडमेड चीज़ें हैं। ये रिंग प्लेटर हो गया, हैवी पिकॉक रिंग प्लेटर है, इट्स मोस्ट अवेलेबल। मैम आपकी शॉप कहाँ है और आप कहाँ से आए हो? पानीपत से हैं हम, देशराज कॉलोनी से हैं। अभी मेरा कोई शॉप नहीं है, मैं होममेड करती हूँ सारा। ऑनलाइन बिजनेस है? ऑनलाइन बिजनेस है, NS द रैपिंग स्टेशन के नाम से। क्या कॉन्टैक्ट नंबर भी है कोई? यस सर। तो देख सकते हैं इनका कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे जाकर भी इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही अट्रैक्टिव आइटम्स यहाँ पर आपको नजर आएंगी। और अगर अभी आप आ रहे हैं होटल रियाड में तो आप आ सकते हैं, जो स्टॉल नंबर है इनका वो है 26। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर थाली है। करवा चौथ तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, आप देख सकते हैं मार्केट में ऐसी थाली आपको नज़र नहीं आएंगी, होममेड है और देसी तरीके से तैयार किया गया है और बहुत ही प्यारा है। शायद आप देखेंगे आर्टिफिशियल भी ऐसा चमाल आपको नहीं मिल सकता है। और भी जो स्टॉल है वहाँ भी ले चल के दिखाने की कोशिश करते हैं और क्या कुछ खास होने वाला है। और यहाँ देख सकते हैं जी, इसके बारे में बताएं एक बार। ये जैनियों का सबसे महामंत्र है नमोकार मंत्र, उसका ये रेजिन पे बनाया हुआ है, एक ये वुडन में है।
देख सकते हैं बहुत ही प्यारा यहाँ पर ये बनाया गया जैन धर्म का। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस स्टॉल पर आ सकते हैं। चलिए और भी स्टॉल पर ले चल के दिखाता हूँ और क्या कुछ खास है। और यहाँ पर हर जगह आपको कुछ ना कुछ अलग नज़र आएगा। और अभी हमारे साथ आसना और सोनिया जी हैं। आज बारिश बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इतनी बारिश में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्राउड में कोई कमी नहीं है। इतनी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। पहले हम आसना जी और सोनिया जी दोनों से बातचीत करके जानेंगे। ये बताइए मैम, आज करवा चौथ और जो दिवाली स्पेशल आपने एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज किया है, उम्मीद थी कि इतनी संख्या में लोग आएंगे? हाँ, उम्मीद तो डेफिनेटली थी, बिकॉज शोशा है और हमें पता है पानीपत हमेशा हमें प्यार करता आया है और आगे भी डेफिनेटली करेगा। तो बारिश का हमें डर बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि इस बार आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। हमने इस बार स्पेशली होम डेकोर पे बहुत वर्क किया है, तो इस बार हमारे पास हर पॉसिबल कैटेगरी है। क्लोथिंग तो होती ही होती है, बट होम डेकोर की बहुत अच्छे वेंडर्स हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी के हाथ में कैरी बैग और हर कोई शॉपिंग करके जा रहा है, सिंगल हैंड कोई यहाँ से नहीं जा रहा है। क्या मानती हैं आप? यही मानती हूँ कि लोग पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें और पानीपत में होए, तो हम लोग वो चांस ही नहीं देते लोगों को। हम बैक टू बैक ऐसे प्लानिंग करते रहते हैं कि ऐसा लोगों को एक चांस मिले कि वो आकर अपनी शॉपिंग कर सके, सब कुछ घूम सके, एक दिन आराम से यहाँ पर शॉपिंग कर पाए। लगता है आपका ड्रीम ट्रू होता जा रहा है, क्योंकि जो आपने सोचा था, जो करने का जज्बा आपके अंदर था, वो पूरा हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। पानीपत वालों का सपोर्ट कैसा है? बहुत बहुत अच्छा। हम 4 सालों से ये काम कर रहे हैं। पानीपत ने हमेशा इतना प्यार और इतना सपोर्ट किया ना, मैं बता नहीं सकती। आज मौसम इतना खराब है, लेकिन फिर भी लोग एफर्ट करके घर से आ रहे हैं और इतना ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। एक बार अपना नाम बता दीजिए। आसना। मैम? सोनिया। तो देखा आपने, आसना और सोनिया जी की जोड़ी है वो धूम मचाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर अंदाजा आप देख सकते हैं कि इतनी संख्या में लोग पहुंचे हैं, तो ये बहुत ही एक यूनिक और अच्छी चीज यहाँ पर नजर आई।